हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये क्या न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, इनके पार्लियामेंट ने भी शुरू कर दिया भारत भारत करना। तो ऐसे लग रहा है कि भारत माता की जय की गूंज जो है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी हो रही है। तो चलो देखते हुआ क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपका शुरू होता है 47 में। हिंदुस्तान आजाद होता है और पाकिस्तान बनता है। शुक्र है किसी ने कुछ तो बोला। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो मैं वाजे कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी चौथी नस्ल में इस नारे से गुजरू। आए आज बात करते पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान आजाद हुआ था। बना था जब आप 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे। आजादी की बात हो रही है, हम तो गद्दार हैं। हम तो सब कहते हैं हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे, आज बात हो जाए 77 साल बाद कि तकसीम हिंदुस्तान का फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। तकसीम है होता है मैंडेट को ना मानते हुए हमने अपने आधे मुल्क को। अगर आज ये बात होती है कि पाकिस्तान तकसीम हो और आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो के बांग्लादेश बन गए, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि आप उनको मैंडेट देने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि आप उनको एक मजलूम महकूम कौम की तरह तसव्वुर कर रहे थे, जिस तरह आज आप पख्तून को, बलोच को, सराइकी को, महाजर को, सिंधी को, बल्कि पंजाब में बहुत लोगों को, कश्मीरी को, गिरगिटी को जो जिस तरह कंसिडर किए जाते हैं, क्या मिला आपको? आपका मुल्क दो लख्त हो गया। और जब मुल्क दो लख्त हो गया बांग्लादेश में 5 लख 90,000 से ऊपर इलिजिबल बच्चे पैदा हुए। कहां पे, किसने किए? आप लोगों ने। क्यों हम जबरदस्ती एक पराई लड़ाई में घुस रहे हैं? हमें हजार दफा गद्दार बोला जाए हमें तकलीफ कभी नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे तो तकलीफ होगी। क्या ईमान की बात करें सब लोग, ये जनाब पाकिस्तान का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितनी कदर करते हैं? क्या पाकिस्तानी कदर करते हैं? ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहां पे आवाम गुलाम हो। किससे गुलाम हो बेटे? बंदूक वाले के पास ताकत हो। आज तक आप ये मुल्क, ये वतन, ये पाकिस्तान के शहरी इस अपने कायद को रिहा ना कर सके। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के संसद में भारत की चर्चा हुई है। इससे पहले भी समय समय पर भारत की तरक्की पर खूब कसीदे पड़े गए हैं। आज अपनी थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूँ कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनको, उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ उठाया।
एक ही दिन हम आजाद हो गए। ये गलत है ना, ये पागल इंसान दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। यही करोगे तुम कि डिफॉल्ट हो जाए हम लोग। पड़ोसी देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने खड़े होकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। पाक के सांसद ने संसद में अपने ही देश पर तंज कसते हुए कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ लेकिन हम आजाद नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान 1947 में बना था। हम 1947 से पहले भी गुलाम थे और आज भी। यह मुल्क इसलिए नहीं बना कि हम गुलाम हो और फौज हमारे ऊपर जुल्म ढाए। आज भी ये मुल्क के शहर और यहाँ के लोग इस गुलामी से आजाद ना हो सके। और लोग कहते थे कि हम हिंदुस्तान के तकसीम की बात करते थे, आज हमें तकसीम हिंदुस्तान का फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना। पाकिस्तान के खराब हालात के लिए सेना कहा कि आज जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है। ये देखो, ये बंदा है जिसने एटलीस्ट अपने लोगों को ये तो बताया कि तुम आज़ाद नहीं हुए, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, जैसे वो दूसरा वती बंदा बोल रहा था। पाकिस्तान जो था वो पैदा हुआ था, वो बना था। तो ये इनको लगता है ये आज़ादी ली थी। भाई तुमने कौन सी आज़ादी ली थी, तुमने तो एक देश का बंटवारा किया। शर्म करो, शर्म करो कि एक देश का बंटवारा किया, वो भी रिलीजन पर। तो ऐसा देश क्या तरक्की करेगा, उसका डूबना तो पक्का है। ये नजर आ रहा है कि डिवाइड होके अलग से हम कंट्री बने और हमारी हालत इतनी खराब है, अगर नहीं होते डिवाइड तो फायदा होता। बड़े मतलबी हैं। अब ये उनका एंगल हो गया कि अगर डिवाइड हो गया, नहीं होते डिवाइड तो क्या होता, इंडिया का पार्ट होते, तब देखो कितनी प्रोग्रेस हो रही थी, कितना फायदा हो रहा था। फिर वो बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश देखो वो कितना बढ़िया कर रहा है। नहीं, ऐसे घटिया है कि पहले रिलीजन के नाम पे बंटवारा करके देश का इन्होंने पाकिस्तान बनाया, फिर जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद अपने अंदर फिर से बंटवारे हो रहे हैं और ट्रीट नहीं कर रहे अपने ही जो बने हुए जो लोग उनके वहां रह रहे हैं उनको ठीक तरह ट्रीट नहीं कर रहे। उसकी वजह से बांग्लादेश वहां बंटवारा हुआ और अब जो है और चार टुकड़ों में इनका होने वाला है पाकिस्तान डिवाइड। और ये इनकी सोच, और ये इतने घटिया सोच वाले थे कि इनका काम ही ये है कि जितना भी हो बस बंटवारे ही करते जाओ, ये मिलजुल के रहने वाले नहीं। सोच ही इतनी गंदी है तो ये तो होना ही है, कमाल। राइट, बस बेसिकली वही कह रहे थे कि उनके अपने अपने डिफरेंट बोल रहे थे जातियाँ जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं एथनिकली, उनको भी मतलब अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे। सभी एग्जाम्पल दे दिए, सिंधी अलग कर दिए, बलोच अलग कर दिए, कश्मीरी अलग कर दिए, बलोच और गिरगिट वाले अलग कर दिए, सो उसके बाद उन्होंने वो पश्तून भी अलग कर दिए। तो सारी जितनी इतनी सिटी हैं, बोला सबको तो तुम ट्रीट करते हो बुरे तरीके से। और फिर उन्होंने बोला पंजाब के अंदर भी कुछ कुछ लोग हैं उनको बुरे तरीके, तो हर एक को अगर बुरे तरीके से करते हो तो और टुकड़े हो सकते हैं, ये इमरान खान भी बोलता था। होंगे तो जो भी है, मतलब उनको अभी प्रॉब्लम सारी ये आ रही है, जब गरीबी आती है लोगों का पैसा नहीं होता, तब ये सब बातें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि अपने आप की हालत देख के अब इनको अभी थोड़ा और टाइम बीत जाए। हम तो वोट वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स के, मोदी जी जीत जाए, 500 पार हो जाए, 400 पार हो जाए, उसके बाद जो है फिर हम बोल सकते हैं कि बेटे 10 साल बाद अब तुम देखना क्या रोओगे। तुम देखो तो सही, जरा मोदी जी को आने दो, 10 साल आगे जाओ फिर तो इतना रोओगे कि कुछ। मोदी जी के दिमाग में पूरा क्लियर प्लान है भारत से लेकर ये पाकिस्तान का क्या हाल करना है, भारत को कैसे ऊपर लेके जाएंगे और ये पाकिस्तान को कैसे नीचे खत्म करेंगे, देखते जाओ यार। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।